मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा केंद्र से लाई गई राशि के बयानों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राज्य कांग्रेस महासचिव रामलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र से 6 महीने में ही 6,000 करोड़ लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में ऊना में यही आंकड़ा 5100 करोड़ बताया था और एक हफ्ते में ही ये 6 करोड़ हो गया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में भाजपा से इस बारे में जवाब मांगा जाएगा, लेकिन उन्होंने जब सीएम के इस दावे को नेट में खंगाला तो वहां कुछ भी नहीं पाया। प्रदेश वित्त विभाग का रिकॉर्ड इस बारे में खामोश है, इसलिए जयराम ठाकुर बताए कि उनका कौन सा बयान सही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को आज तक 1900 करोड़ रुपए केंद्र से विभिन्न योजनाओं के तहत विभागों को मिले बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 जिलों को पानी की स्कीमों के लिए 700 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, वे भी अभी तक घोषणा ही है। स्पेशल ग्रांट नहीं आई है और एक जो मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया है भाई 700 करोड़ रुपए 5 जिलों के लिए, एक कमिटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 जिलों के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए वो ऐसा देने का केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट करी है, लेकिन मेरी सूचना के मुताबिक और फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो भी हम सूचना इकट्ठी कर सकते थे ऐसा कोई भी पैसा प्रदेश में नहीं आया है और कोई भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने हिसाब किताब में कहीं से नेट पे कोई ऐसी जो ग्रांट इन्हीं आई हो या कोई रेगुलर बजट आया हो इसकी कोई भी सूचना फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में जिस तरह हेली टैक्सी चलाई गई उस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 17 से 23 मार्च तक आयोजित हुए इस मेले में हेलीकॉप्टर 17 से 25 मार्च तक उड़ाया गया, जिसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्वीकृति भी नहीं थी। बिना टेंडर के जिस तरह एक कंपनी को मेले के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ाने का ठेका दिया उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व में चुनावी दौरे के दौरान बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री आर के धवन का हेलीकॉप्टर अचानक बिलासपुर के लूणू मैदान में बिना इजाजत के उतर गया था, उसका पायलट आज तक केस भुगत रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना इजाजत के नलवाड़ी मेले के दौरान उड़ाए गए हेलीकॉप्टर से यदि कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वे इस हादसे को भी आने वाले विधानसभा सत्र में उठाएंगे ताकि लोगों का ध्यान इस ओर खींचा जा सके। बिना टेंडर किए उनको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो रेट दे दिए और जो उनके स्टाफ आया उनको बिलासपुर में ठहरने का इंतजाम भी हुआ, जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके कंपनी आई उनका खान पान का और उनकी जो आवभगत होती है सेवा होती है उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो बिलासपुर में इंतजाम किया और साथ में उनको पुलिस और जो होम गार्ड है वो उपलब्ध कराएंगे। जहाँ पे कल्चर प्रोग्राम होता था हॉकी के स्टेडियम में उसको कल्चर प्रोग्राम को वहां से शिफ्ट किया गया टू द क्रिकेट टू द फुटबॉल स्टेडियम और वो जो हॉकी का स्टेडियम है वो हेली टैक्सी को चालू करने के लिए वहां से दिया गया। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो कमाने के लिए कंपनी आई है उस कंपनी को आदर खातर के लिए जो पैसा खर्च हुआ वो कहां से खर्च हुआ,